जनता दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वार्ड 55 के पार्षद अक्षत खुटेटा जी। अक्षत खुटेटा जी से हम जानते हैं कि अक्षत जी, आप हमें बताएं कि स्कूल टाइम से और जो पार्षद बनने की जर्नी है वो आपने कैसे तय की? मतलब एक स्कूल टाइम में होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या ये बनना है, वो बनना है, स्कूल में फ्रेंड्स के साथ होती है डिस्कशन आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो फिर बाद में कैसे आप पॉलिटिक्स में आए और पार्षद तक पहुँचे ही आप? देखिए, मैं ये कहूँगा, स्कूल टाइम से तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरा पॉलिटिक्स में मतलब बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरी क्या है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे फादर बैंक में थे, तो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैं एक ही जगह रह के मैंने पढ़ाई करी। मेरी स्कूलिंग दिल्ली में हुई है और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने जयपुर में करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं वापस मुंबई गया, तो ऐसे मैंने वेरियस सिटीज़ में रह के पढ़ाई करी है। और हाँ, ये है, पॉलिटिक्स में आने का मेरा ये था कि मेजरली सोशल सर्विस और लोगों की हेल्प, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली हेल्प करना बड़ा अच्छा लगता था, ख़ास करके क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और जब मोदी जी का पहला चुनाव आया था 2014 में, तब आईटी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा क्रेज़ था उनको लेके, और आईटी इंडस्ट्री ने उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट भी किया था उस टाइम पे। मेरे को अच्छे से याद है, मैं उस टाइम पे पुणे था, एक प्राइवेट कंपनी के साथ एसोसिएटेड था, तब हम सैटरडे संडे, हमारे वीकेंड्स ऑफ होते थे, तो हम सैटरडे संडे मार्केट में जाते थे, पब्लिक से मिलते थे, तो उनसे फीडबैक लिया करते थे, उनसे जानते थे कि भाई उनका क्या इंटरेस्ट है। तब मैंने देखा कि पहली बार कोई ऐसा लीडर नरेंद्र मोदी जी, जिसके लिए पब्लिक इतना आगे बढ़ के काम करना चाह रही है कि हाँ, शायद ये आदमी जब हमारा प्रधानमंत्री बनेगा तब देश की कोई अलग ही एक पहचान होगी, अलग ही एक मतलब इंडिया में एक अलग तरीके की रोशनी होगी। उस समय हमने, मेरे को अच्छे से याद है कि स्लोगन भी जो था कि एक नया सवेरा आने वाला है, जब हमारे चुनाव हुए थे उसके बाद जब रिजल्ट का टाइम था तो हमेशा यही बोला जा रहा था कि एक नया सवेरा आएगा, तो उस नए सवेरे के लिए ही आईटी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और तब से ही मेरा रुझान बना था कि मैं पार्टी को ज्वाइन करूँ और पूरा सक्रिय कार्यकर्ता की तरह मैंने इसमें काम किया। फिर कितने साल हो गए आपको मतलब बीजेपी से कंटिन्यू जुड़े हुए? मैं पार्टी में मेंबर तो मैं बना था 2010 में, और सक्रिय राजनीति में जो कि आप कह सकते हैं प्रचार प्रसार और या फिर कार्यकर्ता के नाते काम करना, वो मैंने 2014 से चालू किया था। बिल्कुल, जब से ये मतलब प्रधानमंत्री के लिए आए। तो जब आप मतलब कंपनी में थे तो उस टाइम जो आपको वर्क दिया जाता था, तो फिर आपने क्या कंपनी उसी साल छोड़ दी कि नहीं अब तो मुझे भी पॉलिटिक्स में जाना है और बीजेपी ज्वाइन करना है, या कहीं ना कहीं आपको लगा कि प्रधानमंत्री अगर ये बनते हैं तो इनके साथ कहीं ना कहीं मुझे लगना है, कैसे भी लगूं मैं? नहीं नहीं, देखिए, जॉब तो मैंने नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उसका रीज़न है कि आपको कोई भी काम करना हो, चाहे वो सोशल सर्विस हो या कुछ भी हो, आप ज़रूरी नहीं है कि अपना काम छोड़ के ही आप दूसरे काम को पकड़े। आज आप देखें, कोई भी नेता हो, मंत्री हो या पार्षद हो, कोई भी हो, चाहे वो वकील हो तो वो वकालत कभी नहीं छोड़ता, चाहे अगर वो उसकी दुकान है तो वो दुकान कभी नहीं छोड़ता। तो अपने धंधे से तो आपको काम करना ही है भाई, आपको किसी की अगर हेल्प भी करनी है तो उसके लिए भी आपको धन चाहिए, और अगर आप किसी की हेल्प करने, सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्प करनी चाहिए। इसलिए मिलिट्री में भी एक चीज़ होती है, आर्मी में यही लिखा जाता है हमेशा कि पहले आप अपनी रक्षा करें, उसके बाद दूसरे की रक्षा करें, तो जब आप सक्षम होंगे तभी आप दूसरे को सहायता कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने जॉब तो नहीं छोड़ी थी, और जॉब मैं आपको बताऊँ, मैं अभी पिछले नवंबर तक, मैं लास्ट ईयर नवंबर तक मैं जॉब ही कर रहा था, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी है। जैसे आप कह रहे हैं नवंबर तक थे, तो पार्षद तो बने हुए आपको करीब 3 साल हो चुके हैं, तो फिर कैसे आप लोग मैनेज किया है कि मतलब पार्षद और जॉब को कैसे मैनेज करते थे आप? देखिए, मेरा जो आईटी में काम था वो यूजुअली मेरा यूएस बेस्ड काम था, और यूएस बेस्ड आईटी कंपनी के लिए मैं काम करता था जिसने आउटसोर्स कर रखा था, और क्योंकि आईटी मेरा एक प्रोफेशन है, मैंने उस लाइफ को जिया है पूरा, और आईटी मेरे लिए एक इंटरेस्ट भी है, और साथ ही साथ पॉलिटिक्स भी मेरे लिए एक इंटरेस्ट है। अब आप ये कह सकते हैं कि एक हॉबी है, अब अगर किसी को क्रिकेट उसकी हॉबी है और उसको फुटबॉल भी पसंद है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि क्रिकेट खेलते खेलते फुटबॉल छोड़ देगा, वो दोनों काम खेल करता है। तो इसी तरह मैंने भी इसको, लाइफ को मैनेज किया, और हाँ, लेकिन नवंबर में छोड़ी है मैंने, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा अपने दूसरे जो एक मेरा माइंड में प्लानिंग है मेरे काम को लेकर, आईटी से रिलेटेड ही, उस काम के ऊपर भी मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ अपना जो ये पार्षद का काम है
और मैं जानता हूँ कि मेरी जितनी भी जनता है उसको ये सब चीज़ें पता भी है और उसको इस चीज़ से कोई परहेज भी नहीं है, क्योंकि मेरे सारे काम मैं ऑन टाइम करता भी हूँ। चाहे आप कभी भी वार्ड का आप दौरा भी करें या कभी राउंड लें, आप जनता से बिल्कुल पूछ सकते हैं। टिकट कैसे आपको मिली, मतलब जैसे बीजेपी में कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया तो उस बिहाव पे आपको बीजेपी की टिकट मिली पार्षद की, या फिर बाद में कहीं कोई बैक सपोर्ट ऐसा इतना स्ट्रांग था जिस कारण उनके दबाव से मिली, ऐसा क्या रीज़न रहा? नहीं देखिए, मेरा एज सच तो कोई बैक सपोर्ट है नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली का कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि एज अ कार्यकर्ता, क्योंकि मैं सबसे पहले जब यहाँ जयपुर आया था 2015 में, मैंने जयपुर आ गया था वापस, तब मेरे को पहले बूथ अध्यक्ष बनाया गया। मैंने 2-3 साल बूथ अध्यक्ष रहा, उसके बाद चुनाव में मेरे को वार्ड अध्यक्ष बनाया गया, तो मैंने 1-1.5 साल वार्ड अध्यक्ष की तरह काम किया। उसके बाद कई पार्टी के कार्यक्रमों में और जितने भी मतलब मोदी जी के कोई कार्यक्रम होते थे उन सब में बढ़ चढ़ के भाग लिया, हिस्सा लिया। उसको देखते हुए ही हमारे जो यहाँ के क्षेत्रीय हमारे विधायक थे, उन्होंने मेरा नाम आगे किया और मेरे को बिल्कुल उन्होंने मौका दिया चुनाव लड़ाने का। अक्षर जी, आप हमें बताएं कि आपने अपने एरिया में 3 साल पार्षद बने हुए हो गए, ऐसा क्या क्या काम आपने अपने तक अभी तक 3 साल में किए हैं अपने एरिया में? देखिए, काम की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से मैंने मेरे वार्ड में लगभग 6.5 से 7 करोड़ तक का अभी तक काम कराया है, और वो सिर्फ निगम ही नहीं, मेजरली मैंने JDA की मदद से कराया है। चाहे वो गिरनार कॉलोनी में सड़क का काम हो, या अपने नेमी सागर में सड़क का काम हो, झारखंड महादेव पर टाइल्स का काम हो, प्रेमपुरा में सड़कें बनवाई है, आम्रपाली सर्किल जो मार्केट एरिया है वहाँ पे टाइल्स का काम करवाया है, गिरनार कॉलोनी में वायरिंग अंडरग्राउंड का काम भी हमने कराया है। मेरे पूरे वार्ड में एक भी जगह आपको सोडियम लाइट नहीं मिलेगी, सारी जगह LED लाइट्स लगवाई है, जहाँ पे भी बची हुई थी सब जगह लाइट्स लगवाई गई। वार्ड में पार्कों में सारे रंग रोगन का काम और मेंटेनेंस का काम कराया गया। ये सारा काम मैंने अधिकांश JDA की मदद से कराया है, और जो पार्कों का मेंटेनेंस का काम है या कुछ सड़कों वड़कों का काम है वो मैंने निगम की मदद से कराया। जैसे आप पार्षद नगर निगम के हैं और काम मोस्टली JDA से कराया, तो क्या निगम में काम कराना इतना टफ है जितना इजी JDA में काम कराना है? ऐसा आपको कहीं लगता है कि JDA में काम कराना इजी है, निगम में काम कराना टफ है, या दोनों जगह सेम है? देखिए, काम कहीं भी कराना आसान या टफ मैं नहीं समझता ऐसा होगा। उसका रीज़न है कि निगम में अपनी एक बाध्यता है बजट की। अब हमारे को जितना बजट मिलेगा हम उसी हिसाब से काम करा पाएंगे, लेकिन JDA जो है वो उसमें बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि अधिकतर क्षेत्र जो मेरा वार्ड का क्षेत्र है वो भी अधिकतर JDA के अंडर ही आता है। मात्र एक कॉलोनी है जो निगम की है, बाकी सारा JDA का क्षेत्र है। अब JDA के क्षेत्र में ऑब्वियसली JDA का बजट ज़्यादा रहता है उसमें, क्योंकि जितने भी आपके राज्य सरकार के बजट होते हैं वो सारी योजनाएँ वगैरह सब उसी के अंडर में आती है। अब ये आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरे मतलब कुछ संबंध भी अच्छे हैं, मैं अधिकारियों से उसी हिसाब से बात करता हूँ और वो इस बात को टालते भी नहीं है और काम मेरा आसानी से हो जाता है। जैसे मोस्टली हर जो वार्ड पार्षद होता है वो इसी चीज़ से जूझ रहा होता है कि हमारे सफाई कर्मचारी कम हैं, कचरा टाइम पे नहीं उठ रहा, तो क्या आपके भी यही समस्या है? देखिए, ये ऐसी समस्या है जो निगम में मैं मानता हूँ हमेशा रहती है। नो डाउट जोटवाड़ा सबसे बड़ी विधानसभा है, लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सबसे कम कर्मचारी भी जोटवाड़ा विधानसभा में ही है। हमारे हर वार्ड में मात्र 10 से 14 कर्मचारी के बीच में ही हर वार्ड में कर्मचारी है, कईयों में तो 7-8 भी हैं, लेकिन हाँ 13-14 कर्मचारी के साथ भी इतने बड़े जो विधानसभा है उसके वार्ड भी अमूमन है कि बड़े ही होंगे। आप अगर मेरा वार्ड भी देखेंगे तो पूरे मिलिट्री एरिया आता है, पूरा मिलिट्री रोड आता है, उसके बाद बड़ी बड़ी कॉलोनीज है, गुरुजम्बेश्वर नगर, नेमी सागर, गिरनार कॉलोनी। अब इनमें अगर 13 जनों का स्टाफ लगाया जाए तो किस कॉलोनी में लगाया जाए? एक दिन, यहाँ तक कि अगर पूरा हम एक मेन रोड पर भी लगा दें तो भी वो एक दिन में पूरी मेन रोड कम्प्लीट नहीं हो पाती। तो जायज़ है कि निगम में कर्मचारियों की कमी तो कहीं ना कहीं है ही, और साथ ही साधनों की भी कमी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा निगम, हमारा जयपुर नंबर 1 आए, लेकिन उस नंबर 1 लाने के लिए हमारे को कुछ प्रयास भी करने पड़ेंगे। आज हम देखते हैं जगह जगह कचरा गिरा हुआ है, हमारे मन में तो है कि हम डिपो मुक्त बनाएं,
लेकिन उस डिपो मुक्त बनाने के लिए क्या हम प्रयास पर्याप्त कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम जनता को जागरूक नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए कि अगर हमारे को हमारा घर हमारा शहर स्वच्छ रखना है तो हमें रोड पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। मोदी जी का भी, मोदी जी भी अभियान चला रखे हैं स्वच्छ भारत अभियान, उस हिसाब से आपको लगता है जिस हिसाब से पहले जयपुर के जो नंबर्स थे, जितने 30 नंबर 32 नंबर पे जो रहा जयपुर, अब धीरे धीरे वो पीछे होता जा रहा है स्वच्छता में, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए ग्रेटर नगर निगम को जिससे कि स्वच्छता में फिर से नंबर वन आने की कोशिश की जाए? देखिए मैं थोड़ा सा मोस्टली नंबर वन इंदौर आता है, उस हिसाब से क्या कार्य करने चाहिए? मेरा इस मामले में सोचना बिल्कुल हटके है, क्योंकि मैं एक आम आदमी की तरह भी सोचता हूँ कई बार, कि उसमें रीज़न ये है कि मोदी जी का जो मिशन है, मोदी जी का जो विजन है, उसमें सिर्फ शहर को स्वच्छ करना ही नहीं है, उसमें ये भी है कि आप नए क्या इनोवेशंस करते हैं, क्या आप कुछ ऐसा नया कर रहे हैं। अब हम इंदौर को देखेंगे तो इंदौर ने वहाँ पे अपने ग्रीन बॉन्ड भी जारी करे हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रखे हैं, सब चीज़ है। तो उसी तर्ज पे आपने मैंने अपनी आम सभा में भी आखिरी बार जो लास्ट आम सभा हुई थी उसमें मैंने ये भी बोला था, ग्रीन बॉन्ड्स का प्रस्ताव भी मैं लेके आया था। उस ग्रीन बॉन्ड पे मैंने ये, मेरी भी मंशा यही थी कि एक नया इनिशिएटिव लाया जाए, पब्लिक की भागीदारी ली जाए, उस पब्लिक की भागीदारी को लेके हम अपने शहर को स्वच्छ बनाएं। दूसरी चीज़ इनोवेशंस की अगर बात करें तो उसमें ये है कि आज हम कहते हैं कि भाई कचरा यहाँ मत डालो, लेकिन क्या आज तक भी हम गीला सूखा कचरा अलग कर पाए? हम आज तक भी उस एक ही कचरे पात्र में ही सब चीज़ें रख रहे हैं, हम अभी तक गीला सूखा भी अलग नहीं कर पा रहे। अगर हम वो अलग कर देंगे तो जो हमारी मैन पावर ट्रीटमेंट प्लांट्स में लग रही है, पहली बात तो वो कम होगी, और दूसरा हमारे को उस कचरे से उपयोग करके हम नई चीज़ें बना सकते हैं। आज हमारा अधिकांश समय तो उसी में चला जाता है कि उसको अलग करने में ही, सेग्रीगेट ही हम नहीं कर पाते, तो उसके बाद चीज़ बनाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं ही मानता हूँ कि जनता को भी कहीं ना कहीं इसमें भागीदार बनना चाहिए। जिस हिसाब से काम जनता के अनुकूल हो नहीं पा रहे, तो आपको क्या लगता है कि जैसे 3 साल हो चुके हैं, 2 साल करीब और बचे हैं आपके पार्श 5 साल पूरे होने में, तो क्या आपको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका, कि आपको उम्मीद है कि अगर ऐसा ही रहा वार्ड में कचरा काम टाइम पे नहीं उठता, जो कर्मचारियों की कमी है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, कि आपको उम्मीद है कि वापस से आपको टिकट मिल जाएगी, या फिर अगर टिकट मिल भी जाती है किसी रीज़न से तो आपको उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे ऐसा? देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जनता को, आज की जनता बड़ी स्मार्ट है और वो ये सब जानती है कि किसके कहने पर और कैसे क्या काम हो रहा है। आज पूरी जनता जानती है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके का दुभात कर रखी है हेरिटेज और ग्रेटर में, क्योंकि हेरिटेज में तो आपके कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है, ना साधनों की कमी है, ग्रेटर में क्यों है? क्योंकि ग्रेटर में उनका बोर्ड नहीं है। आज ग्रेटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कर्मचारियों की कमी कर रखी है, वहाँ पे उन्होंने साधनों की कमी कर रखी है। क्यों आप ऐसा क्या विजन रखते हैं कि अपने वार्ड के लिए, कि मैं जैसे पार्षद हूँ तो मैं अपने आने वाले जो 2 साल और बचे हैं कि इस 2 साल के अंदर अंदर वार्ड के लिए कुछ ऐसा स्पेशल काम करके जाऊँ, कुछ ऐसी चीज लेके आऊँ कि वार्ड अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी अगर पार्षद नहीं भी बन पाया, अगर टिकट नहीं भी मिल पाए किसी रीज़न से, तो जनता मुझे याद करे? देखिए मैं अगर मेन उपलब्धियां जैसा कि आप बता रहे हैं वो बताऊं, तो सबसे पहले अगर आपने देखा हो आम्रपाली सर्किल के वहां पे एक बहुत बड़ा डिपो हुआ करता था, जो मैंने मेरे पार्षद बनते ही, जो उस टाइम पर कोरोना था, लॉकडाउन भी था, तो उस लॉकडाउन के दौरान ही मैंने उस सबसे पहले उस डिपो को ख़त्म किया, क्योंकि वो डिपो आम्रपाली जिसको हम सिटी का हार्ट कहते हैं, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी कि रात भर इतना कूड़ा आ जाता था कि आधी एक पूरी जो लेन है वो पूरी कवर हो जाती थी। उसमें गाय माता भी हमारा कचरा खा रही है, कुत्ते घूम रहे हैं, सुअर घूम रहे हैं, मतलब कोई कह नहीं सकता था कि ये वैशाली नगर का एरिया है। उसको सबसे पहले तो मैंने क्लियर करवाया। दूसरी चीज़, यहाँ पर झारखंड महादेव मंदिर है, ग्रेटर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शिव मंदिर है, यहाँ पे शिवरात्रि हो या सावन हो लाखों की भीड़ आती है। यहाँ पे गायों का बाड़ा बना हुआ था अवैध, और चारे की दुकानें हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी और रोड पे गाय घूमती थी, उस पूरी गाय के वहाँ पे अपन ने कार्रवाई करवा के उसको पूरे को गौशाला में शिफ्ट किया, वहाँ पे बाड़े को, इलीगल जो बाड़े बने हुए थे उनको हटा के
क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो कीचड़ नहीं है और गाय के मारने का डर नहीं है। पहले लोग डरते थे वहाँ जाने में कि कब कोई गाय सींग ना मार दे, तो इसलिए ये कुछ काम है डिपो से रिलेटेड है या साफ सफाई से रिलेटेड। मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे वार्ड में कहीं भी कोई भी समस्या हो वो 24 घंटे के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाए। आप लोग पार्षद भी बने तो उस टाइम कोरोना काल समय था, उस टाइम तो आप लोगों ने कैसे हैंडल किया उस कोरोना समय को उस टाइम पार्षद रहते हुए? देखिए, कोविड का समय तो ऐसा था जो देश में हर कहीं पे भी मतलब लोगों के मन में एक डर भी था और कहीं ना कहीं अब क्योंकि किसी ना किसी को तो बाहर निकलना ही था। हमारे स्वच्छता योद्धा थे, डॉक्टर्स की टीम थी, दोबारा देखने को मिले क्योंकि हमने सबने देखा कि कई जगह ऑक्सीजन की कमी हुई, कई बार हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिले, मतलब हर जगह देश के हर कोने में हर किसी इंसान ने उस पल को जिया है जब हम सबको एक समय पे लग रहा था कि बहुत बड़ी महामारी है। लेकिन जिस तरह हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, मोदी जी ने जिस तरह से उस कोविड के कालखंड में काम किया और देश को एकजुट रखते हुए पूरे एक एक शहर को, एक एक प्रदेश को जो सहायता उपलब्ध कराई वो काबिले तारीफ है। जैसे कोरोना समय था और चुनाव का समय भी उस टाइम कोरोना समय में जब आप लोग जाया करते थे लोगों से वोट मांगने, तो क्या लोग बाहर निकलते थे उस टाइम कि कहीं कहीं ना कहीं उनके मन में डर रहता था? और आप लोग पार्षद बनने के बाद जब आप लोग समाज के लिए काम करने जाते तो कहीं ना कहीं क्या घर वालों ने कहीं ना कहीं रोका कि यार कहीं कोरोना हो नहीं हो जाए, तुम बाहर जाते हो कि कभी घर पे आओ तो हमारे ना हो जाए, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए चुनाव के टाइम पे जो कोरोना था उसमें नो डाउट इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइंस थी और हम उन गाइडलाइंस का हमने पूरी तरीके से पालना भी करी थी। हम 5-5 लोग ही जाते थे प्रचार करने और ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे पहले जो चुनाव प्रचार होते थे कि हम हाथ वाथ भी छूते थे, सब चीज़ होती थी। इस बार जो चुनाव प्रचार था उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। हम मास्क पहन के रखते थे पूरे टाइम क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले को और हमको दोनों को ही डर था कि भाई अगर घर में कोई इन्फेक्टेड होगा तो उससे हम इन्फेक्ट होंगे और हम अगर इन्फेक्टेड होंगे तो सामने वाला भी इन्फेक्ट होगा। तो मास्क हम सब ने हमेशा पहन के रखा था। दूसरी चीज़, कहीं पर भी हम बाहर खाना वाना नहीं खाते थे, हाथ धो के ही हर चीज़ यूज़ में लेते थे। साथ ही क्योंकि जब आप 4-4, 5-5 जनों की टोली में ही घूमते थे तो घरों में हमारे को सिर्फ हमारे पर्चे देने होते थे और उनसे दूर से ही हम 2 गज दूरी जो बना के रखते थे उसको बना के ही हम बिल्कुल सही बात। तो वो 2 गज की दूरी जो है वो हमने हमेशा बनाए रखी और उसके अकॉर्डिंग ही हमने चुनाव प्रचार किया था। जैसे आप बता रहे हैं कि हम करीब 13 कर्मचारी हैं और इतना बड़ा वार्ड है आपका, तो उसको आप कैसे मैनेज कर पाते हैं 13 कर्मचारी? कैसे मतलब हर गली तक कर्मचारी पहुँच पाते हैं सफाई के लिए, या कई महीनों निकल जाते हैं एक गली में सफाई होने में? देखिए, मेरी अगर आप मेरे वार्ड की बात करें तो फिलहाल तो मैंने अपने कर्मचारियों को पाबंद कर रखा है। मैं महीने में हर कॉलोनी में एक बार झाड़ू लगवाता हूँ। उसका रीज़न यही है कि कर्मचारी जिस स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं उस हिसाब से तो मैं महीने में एक ही बार झाड़ू लगवा पाता हूँ। लेकिन हाँ, कई बार कई जगह हो जाता है, जैसे आपको पता है कि अभी सावन का प्रोग्राम भी आ जाता है। जैसे अब सावन चल रहा है तो सावन में मेरे क्या है कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, सावन हो शिवरात्रि हो, क्योंकि सावन में हर सोमवार झारखंड महादेव पे मेला लगता है। तो रविवार और मंगलवार इन दोनों दिन टीम जो है झारखंड महादेव पे ही लगती है, क्योंकि रविवार को हमारे को एक दिन पहले इसलिए झाड़ू लगानी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे पूरी साफ सफाई करके रंगोली करानी पड़ती है, और मंगलवार को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो मेले का पूरा कचरा होता है वो हम मंगलवार को साफ करते हैं। तो ये 2 दिन जब महीने में एक तरीके से मतलब आपके 8 दिन जो है, मतलब 8 दिन आपके उसी में ही ऑक्यूपाइड है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बिल्कुल 22 दिन जो बचते हैं। पहली बार तो 22 दिन में भी संडे आते हैं 4, उस संडे को हम छुट्टी रखते हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे कुछ जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। लेकिन कोशिश तब भी यही रहती है कि हर महीने कम से कम एक बार कॉलोनी में झाड़ू लगे। ये बात थी हमारे अक्षत जी से। अक्षत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं सबसे पहले तो जनता दरबार की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी एक मुहिम चलाई कि हर पार्षद के पास जाके वो एक रिव्यू काइंड ऑफ बाइट्स और इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे ना सिर्फ पार्षद की कार्यशैली का पता चलेगा, साथ ही उनको भी जब वो वार्ड में आएंगे तो उनको वार्ड के बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ समस्याएँ या जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है वो चीज़ भी दिखेगी। दूसरा, मैं ये जयपुर की जनता से एक अपील भी करना चाहूँगा कि
अभी स्वच्छता सर्वेक्षण भी चालू होने वाला है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता सर्वेक्षण की वेबसाइट पे जाएं और जयपुर को रेटिंग करें। साथ ही रेटिंग के साथ साथ हम ये एक अपना शपथ भी लें कि हमें रोड पे कभी भी कचरा नहीं फेंकना है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता बनाए रखनी है। यदि हमारे सामने कोई भी सड़क पे कचरा फेंक रहा है या गाड़ी से कोई कचरा फेंक रहा है सड़क के ऊपर, तो उसे रोकना भी है और टोकना भी है, क्योंकि रोकेंगे टोकेंगे तभी हमारा शहर जो है वो स्वच्छ बन पाएगा। जय हिंद, जय भारत।